संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल द्वारा माँ तुझे प्रणाम योजना अंतर्गत प्रदेश के 7 जिलों में चयनित 130 युवकों के दल को बुधवार राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दर्शन यात्रा हेतु ग्रीन सिग्नल दिखाकर रवाना किया है। खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, रायसेन, भिंड, ग्वालियर और नर्मदापुरम से चयनित 130 युवकों के दल को बुधवार उपसंचालक विनोद प्रधान ने राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दर्शन यात्रा हेतु ग्रीन सिग्नल दिखाकर रवाना किया है। 12 से 17 अक्टूबर तक संचालित यात्रा गोल्डन टेंपल, हुसैनी वाला बॉर्डर, जलियावाला बाग, वाघा बॉर्डर दर्शन कर लुटेगी। शासकीय यात्रा में प्रत्येक विकास खंड से NCC, NSS, स्काउट, स्पोर्ट्स और मेगावी वर्ग के चयनित विद्यार्थी शामिल है। जिर्निया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।